अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने महासमुंद में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपाई डर, भय और नफरत का माहौल पैदा करने लगते हैं, तो वहीं कांग्रेस बार बार जनता से जुड़े मुद्दों की बात करती है। अजय उपाध्याय ने महंगाई कम करने को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई कम करने के वादे का क्या हुआ। वो बोले कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी का मत जानकर ही टिकट वितरण करेगी। जब भी चुनाव आता है तो डर, भय और नफरत का माहौल पैदा करने का काम करती है। हम लोग बार बार कहते हैं कि आइए जन मुद्दों पर बात कीजिए। आपने जो वादे किए थे केंद्र स्तर पर, देश के स्तर पर, महंगाई बेरोजगारी कम करेंगे, वो वादा था आपका, क्या हुआ वो वादा? आपने कहा था पेट्रोल 100 के आज पार है, आपने कहा था पेट्रोल जो है 35 और 40 रुपए में मिलेगा, आज क्या हुआ? पेट्रोल डीजल क्यों 100 के पार हो गया है? क्यों खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल इतना ऊंचा है, आसमान छू रहा है, और कहीं ना कहीं इस माध्यम से महंगाई और बेरोजगारी से आपने जनता का क्यों तेल करने का काम किया है?